अग्निपथ योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो बवाल हो रहा है, उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। 3 दिन से हिंसा का सिलसिला कई राज्यों में जारी है और जनता इससे परेशान है। बिहार में रात 8 बजे तक ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जिससे आज कई यात्री परेशान हैं। पटना स्टेशन पर एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री को कई ऐसे लोग मिले जो बीमार भी थे, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई, लेकिन 3 दिन से स्टेशन पर बैठे हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदर्शन की आग में आम आदमी किस तरह झुलस रहा है, ये तस्वीर पटना जंक्शन पर मालूम पड़ती है। मेरे साथ यहाँ गोपाल मेहता है, और पिछले कुछ दिनों से, कितने दिनों से आप एम्स में भर्ती? 15 दिन से एम्स में भर्ती थे। परसों वहाँ से छुट्टी मिलकर डिस्चार्ज मिल गया, हम चले हैं स्टेशन पे। यहाँ से अभी हमको घर जाने के लिए रुपया नहीं है, 400 रुपया है मेरे पास, लेकिन 400 रुपया से हम जा नहीं सकते। बस का भाड़ा है 800 रुपया, हम 2 परिवार हैं। इसमें जितना जाँच है सब 56,000 का जाँच है। सिर्फ मैं देख रही हूँ आपके पास सिर्फ कागज है, कागज है, दवाइयाँ को नहीं ले सके हैं, 1,000 रुपया का सिर्फ दवाई लिए हैं, सब जांच में लग गया है रुपया। तो जब आप यहाँ पहुँच के, एक तो कब, कितनी तारीख को आप यहाँ पहुँचे स्टेशन? ये परसों आए, परसों से यहीं पर, वहीं पर हैं परसों से। परसों 12 बजे दिन में आए थे, गाड़ी नहीं था कोई। अच्छा। तो बोला कि रात चालू हो जाएगा गाड़ी, फिर आज भी परसों से आजकल कर ही रहे हैं, लेकिन सही अब पता नहीं चालू होगा कि नहीं होगा, कैसे जाएंगे घर यहाँ से। ये पत्नी है साथ में? नहीं, पत्नी है। क्या नाम है? सरिता देवी। कुछ नहीं बचा अब? कुछ नहीं, 3 दिन से यहीं पड़ी हुई स्टेशन। हाँ, पड़ी हुई है। ये एक परिवार को मैं देख रही हूँ, कहाँ से आए आप? भागलपुर से। कब आए? आए थे परसों। परसों से यहीं पड़े हुए? जी। क्या हुआ? इनको महावीर कैंसर संस्थान में इसका इलाज चल रहा था, वहाँ डॉक्टर दे दिया छुट्टी, बोला कि जाइए, यहाँ आए तो गाड़ी ही नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है। जाना कहाँ है? जाना है भागलपुर। कोई और रास्ता बस से जाने का? नहीं, रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। उसके बाद भी पैसा नहीं है मैडम, क्या करें? खाने के लिए आप हैं, अभी गए चाय पी करके आए हैं, बैठे हैं, पैसा रहेगा तब। ये तो बस का किराया तो होगा आपकी? नहीं नहीं, बस का किराया भी नहीं है। बस को यहाँ बस स्टैंड जाने में 50 रुपया लगता है। क्या हुआ था पत्नी? चेस्ट कैंसर था। आपका क्या नाम बताया? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह की ये पत्नी है, और रेलवे महावीर कैंसर संस्थान से ये लौटे हैं, 15 दिन इलाज कराकर पत्नी को कैंसर था, और स्टेशन पर जब आए तो इन्हें पता चला कि भागलपुर जाने वाली सभी ट्रेनें कैंसल्ड है, और 2 दिन से यहाँ यहीं पर पड़े हुए हैं। अस्पताल से जो लोग लौट रहे हैं, क्योंकि उनको एक सीमित समय के बाद अस्पताल डिस्चार्ज कर देता है, और डिस्चार्ज होने के बाद उनको अपने घर जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो उन लोगों के साथ भी कुछ इसी तरीके की दिक्कत आ रही है। ट्रेनें कैंसल्ड है और आम आदमी इन सबके बीच फंसा हुआ है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। तो एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री की ये रिपोर्ट आपने देखी पटना रेलवे स्टेशन से, जहां मरीज परेशान है। अब आपको बिहार के सिवान ले चलते हैं। यहां रेलवे स्टेशन पर ऐसे छात्र फंसे हुए हैं जिनकी मेडिकल की परीक्षा है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे से बातचीत में उनका क्या कहना है। ट्रेनें कैंसिल होने के चलते बिहार में लोगों की मुश्किलें ज्यादा है। सिवान जंक्शन स्टेशन है, पहले रिजर्वेशन कराया था, कंफर्म टिकट था, जब ट्रेन ही कैंसिल हो गई तो मुसीबत ऐसी पड़ी है कि बिना टिकट। क्या साहब, कहाँ जाना है? एग्जाम है बच्ची का, कानपुर में। कानपुर में एग्जाम है? मैं मेडिकल नर्सिंग का। तो आपका एग्जाम है, टिकट पहले से कराई थी किसी ट्रेन में? बस कंफर्म था, वन मंथ पहले ही मेरा टिकट कंफर्म था। रात कौन सी ट्रेन थी? बरौनी, ग्वालियर बरौनी में, वो कैंसिल हो गई, और कल ही पेपर है मेरा, और आप जाना पड़ रहा है। का टिकट तुरंत कराया, भी कंफर्म भी होगा, सीट भी अलर्ट हो गया, फिर 10 मिनट बाद मैसेज आता है कैंसिलेशन का। अब तो बड़ी मुश्किल है, एग्जाम है आपका, कैसे कीजिए? बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए क्या प्लान है, अब तो स्टेशन पे आ गई है, क्या कीजिए? अगर ये आम्रपाली से मैं टिकट लेके कैसे भी जा पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर गोरखपुर उतर के फिर बाई रोड जाना पड़ेगा। गोरखपुर कैसे पहुंचेंगी, क्या प्लान है? ये आम्रपाली, अगर मुश्किल बहुत हो गई, आप तो खुद एग्जाम दे रही हैं, बच्चे एग्जाम को लेके इतनी हिंसा किए हैं, क्या दिक्कत है आपको व्यक्तिगत? क्या एग्जाम तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, इसके लिए से हिंसा पूरी हुई है, मुश्किल बढ़ा दी उसने, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और ये बहुत गलत है। अगर किसी को कोई बात करना है तो नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इस तरह से बर्बाद करके हर चीजों को उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। वो खुद अपने ऑन द स्पॉट इस जगह पे आके देखे कि माहौल क्या क्रिएट उन लोगों ने किया, किसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। देखिए जिस तरीके की हिंसा घटी है, परीक्षा है, परीक्षा में पहुंचना जरूरी है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि टिकट नहीं है तो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ने की तैयारी है। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था वो कैंसिल हो गया, लोगों की उलझने बिहार में बढ़ती दिख रही है। तो सारा सवाल और बवाल
सेना में भर्ती की परीक्षा को लेकर है, सेना में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर है। लेकिन इसका खामियाजा वो लोग भी उठा रहे हैं जिनको दूसरी परीक्षाएं देनी है। सिवान स्टेशन पर मोहित और ऋतिक जैसे कई युवा फंसे हुए हैं। आप देखिए कि इन दोनों युवाओं का आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है जो पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में पिछले दिनों हुई हिंसा से लोग बेहद परेशान हैं। जो तमाम यात्रा करने के लिए लोग निकले हैं, जिनकी परीक्षाएं हैं, जरूरी काम है, आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे बच्चे पहुंचे हुए हैं, अभी भी अपना जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा है। लेकिन परीक्षा के लिए पहुंचना बेहद जरूरी है। कहाँ जाना है सर आपको? पटना जाना है। पटना कैसे जाएंगे? ट्रेनें तो कैंसिल है तमाम। आपने रिजर्वेशन लिया था पहले? रिजर्वेशन लिया था हमने, बाकी ट्रेन तो सारी कैंसिल हुए जा रही है। एग्जाम है, बसें चल नहीं रही हैं अच्छे से, फिर एग्जाम भी कैंसिल हम लोगों का नहीं हो पाया। कैमेट का एग्जाम है, कैमेट के का, कर्नाटका का स्टेट सीईटी का एग्जाम है, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है। एग्जाम का भी स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं से भी आने जाने में। तो बस कोशिश कर रहे हैं आप लोग पटना पहुंचने की? कब प्लान था पटना कब पहुंच जाए? कल का ही प्लान था हम लोगों का, लेकिन कल से कैंसिल हुए जा रहा है, सारा ट्रेन कैंसिल हुआ पड़ा है, तो जाने में दिक्कत है। बस एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ग्वालियर बरौनी मेल, उससे हम लोग जाएंगे। अभी जगह मिल जाएगी, उम्मीद है, भीड़ तो बहुत है, जगह मिलेगी, क्या लग रहा है? उम्मीद कम है पर एग्जाम इम्पोर्टेंट है तो जाना तो है। तो देखिए ये बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं हैं, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, पर परीक्षा देना तो जरूरी है, तो इक्का जो गिनी चुनी ट्रेनें जिन्हें चलना है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें चढ़ सके। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध के नाम पर हो रही हिंसा की तस्वीरें केवल बिहार से ही सामने नहीं आ रही हैं। लोगों की परेशानी की ये तस्वीरें केवल बिहार में ही नहीं है बल्कि देश के कई हिस्सों में लोग स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने उन लोगों से बात की जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के बाद देश भर में इस योजना का भारी विरोध हो रहा है और जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और इसी वजह से जो रेल यात्री हैं उन्हें खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर एक ग्रुप है 25 से 30 लोगों का जो हरियाणा में ईंट भट्टे में काम करते हैं और फिलहाल राजगीर बिहार जाने के लिए निकले थे। झज्जर में इनका ईंट भट्टा था जहाँ से ये नई दिल्ली पहुँचे हैं और इनका कहना है कि ये दो दिन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेन रद्द हो चुकी है और कौन सी ट्रेन कब कहां जाएगी इनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनके जो ग्रुप में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय। संजय जी आप कहां से आ रहे हैं? हम हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा में कहां से? हरियाणा मतलब कि बादली, झज्जर के पास। हाँ, झज्जर के पास में पड़ता है। वहाँ मतलब काम करते थे तो यहाँ से मतलब कि हम 18 तारीख को टिकट बना रखे थे तो हम 17 को वहाँ से निकल गए हैं। यहाँ मतलब कि 12 बजे रात को 17 को पहुँचे, सोचे कि 18 को मेरा टिकट बना है, 18 को हम जाएंगे। यहाँ आए तो बोला गाड़ी कैंसिल है, फिर काउंटर में किए कि बिहार जाने के लिए कोई भी गाड़ी बताइए, कल को कोई भी गाड़ी नहीं है, सारा गाड़ी रद्द है। फिर आज मतलब 19 के भी जा रहे हैं तो कहा गाड़ी बिहार का कोई गाड़ी ही नहीं है, तो सोचिए हम लोग छोटा छोटा बच्चा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर खाने पीने का कैसे कर रहे हैं? खाना पीना वही मतलब कि जो खाना बना के आ रहे हैं सूखा रोटी वो खा रहे हैं, बाजार में खाने के लिए तो औकात में है। और सोचिए एक आदमी खाने के लिए जाएगा तो यहाँ 250-500 रुपया लगेगा। 3 दिन हो गया है आई ना, भूखल प्यासा हो गया, गाड़ी तो बंद है तो जाएगा कैसे? अब बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, कितना भूखल रहेगा। तो बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में भड़की हिंसा पर सत्ताधारी एनडीए में भी घमासान मच गया है। सरकार में शामिल बीजेपी ने नीतीश जेडीयू सरकार पर हिंसा की साजिश का आरोप लगा दिया है। बिहार की सत्ता में शामिल बीजेपी और जेडीयू के बीच अग्निपथ योजना ने फूट डाल दी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस योजना के खिलाफ बिहार में भड़की हिंसा की जद में बीजेपी के कुछ माननीय भी आ गए। फिर क्या था, बीजेपी ने इस हमले के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिस पर पलटवार करने में जेडीयू ने भी देरी नहीं की। प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिहार में अग्निपथ पर हुई हिंसा के दौरान बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, मधुबनी सासाराम समेत कई जगहों पर बीजेपी दफ्तरों पर भी हमले हुए थे। इसलिए बीजेपी का दावा है कि इन हमलों की साजिश में जेडीयू भी शामिल है, लेकिन जेडीयू इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है।
हमारे छात्र वैसे गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं टोटल के टोटल जो विपक्ष के गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं और वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हो और उस आशंका का तक्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही रस्साकशी में आरजेडी भी कूद गई। ये कौन सा आप वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? ये कौन सा दृष्टांत है जिसमें आप अपनी सरकार के मुखिया उनके कार्यकलाप पर चला रहे हैं? आपने सुना किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर बिहार की सरकार में ही गठबंधन में ही घमासान मच गया है। बिहार में एनडीए के नेताओं के बीच में तनातनी चल रही है। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में तनातनी का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। तो जाहिर तौर पर तीसरे किरदार के तौर पर प्रशांत किशोर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर छींटा कशी और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए जरा उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है। अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं, यह कहना है प्रशांत किशोर का। और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी के आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं और इसमें व्यस्त हैं। तो यह कहना है प्रशांत किशोर का, जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में चल रहे घमासान को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जो बयान बिहार जेडीयू की गठबंधन सरकार में नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए हैं अग्निपथ योजना के को लेकर, जिस तरीके का बवाल, जिस तरीके की तस्वीरें बिहार में पिछले चार दिनों में सामने आई उसको लेकर सरकार और गठबंधन के बीच तो सवाल खड़े हुए ही हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर इस पूरे हालात के ऊपर तंज कस रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के नेता मामले को सुलझाने की बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं, जिसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। आपको एक बार फिर बता दें, बीजेपी जेडीयू पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है और उन्होंने तंज कसा है कि किस तरीके से मामले को सुलझाने की बजाय अब मामले को बढ़ाने में लगाए हैं। तो एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस मामले पर हालात को संभालने के लिए, समझाइश के लिए और रियायतों का ऐलान किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं। बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2 बजे तीनों सेना के प्रमुखों के साथ सेना प्रमुखों की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, बवाल हो रहा है, उसके बीच तीनों सेना प्रमुख एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बार फिर रक्षा अधिकारियों की, सैन्य अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हो रही है और उसके बाद करीब 2 बजे तीनों सेना प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। यानी सैन्य नेतृत्व की तरफ से कोशिश की जाएगी कि युवाओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको समझाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें मीडिया के सामने रखा जा सके, एक बार फिर संवाद का संपर्क स्थापित किया जा सके। 4 दिन पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, उस समय उस योजना के बारे में समझाया गया था, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो तस्वीरें आई वो सुलगती हुई तस्वीरें थी, उसमें विरोध के नाम पर आतंक और उत्पात की भी तस्वीरें आई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।